अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे होंगे? ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन कोन सूप। ये एक मजे की रेसिपी है और सर्दियों में बहुत ज्यादा पीने जाने वाली रेसिपी है, और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। चलिए इसे हम बनाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करें। जी जी, चीजों की हमें जरूरत है वो यही है। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कोन यानी कि सिक्ता, और साथ में हमने लिया चिकन, हमने हड्डी वाला चिकन लिया है, और साथ में हमने लहसुन अदरक ये लिया है। हम इसे बाद में काटेंगे और साथ पीसेंगे। साथ में हमने कॉर्नफ्लोर का यूज होना है, और इसके साथ होना है ये काली मिर्च साबुत और ये नमक, ठीक है। और अब आपको मैं मिकदार बताता हूँ कितनी मिकदार में। जो हमने चिकन लिया है ना, ये है 4 किलो, ठीक है, क्योंकि हमने ज्यादा मिकदार में बनाना है। अगर आपने कम मिकदार में बनाना है उस हिसाब से चिकन लें। और जो सिट्टे हैं यानी कि कॉर्न, वो भी हमें 4 किलो ही लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो सिट है उसको छील लेंगे, मतलब इसके ऊपर से जो कवर है इसको उतार लेंगे। हाथों के साथ ही उतरेगा आराम से, और फिर आपको दिखाएंगे कि हमने इसके जो दाने हैं, ये कच्चा सिट है, पक्का वाला नहीं है, इसको हम बॉईल करेंगे। सबसे पहले इसके जो कवर है ऊपर से वो उतार लेंगे। कुछ ऐसा निकल रहा है, इसको हम साफ करेंगे। साफ करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ना, हमने एक चम्मच लेना है, और हमने करना ये है कि हमने इस तरह इसमें डाल के और इस तरह से पुश करेंगे तो इसके अंदर से जो दाने हैं इसके वो निकलने लग जाए। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन यह कि काम अच्छा हो जाएगा इससे। और इसी तरह हमने सारे जो दाने हैं ना वो हमने निकाल देने, और जब ये निकलते हैं मैं आपको दिखा। जितने सिट्टे के जो दाने हैं वो निकालते हैं उतनी देर तक हम ना जो यखनी है वो रख लेते हैं। यखनी तैयार करने के लिए हमने एक बड़ा सा तेज का जो बॉल जिसमें आपने तैयार करना वो लेना है, और हमने ये जो सारा चिकन है उसमें डाल दें। चिकन डालने के बाद हमने 2 चम्मच जो है वो नमक डालना है, ये आपकी मिकदार के ऊपर डिपेंड करता है, आपने कितनी मिकदार के अंदर ये सब कुछ बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमने 1 टेबलस्पून जो है काली मिर्च देनी है, गार्लिक पेस्ट लेनी है हमने, ये हमने पेस्ट कर ली थी इसकी, और ये डालनी है, और हमने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। अब हमने इसमें पानी ऐड कर लिया। अब पानी की मिकदार देख लें, क्योंकि मेरे पास तो काफी मिकदार में मैंने बनाना था, इसलिए इतना पानी ऐड करना जरूरी था। अब हमने इसको चूल्हे पर रख देना 2 घंटे के लिए। चूल्हा ऑन कर लिया, आग जला ली हमने, अब इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। सारा नहीं ढकना, थोड़ा सा हम इसे खोले रखेंगे। जो सिट्टे हैं उसके दाने अदा करनी है, और अब हम इनको प्रेशर देंगे। प्रेशर देने से पहले इसमें पानी ऐड करेंगे। इतना पानी हमने ऐड कर लिया, अब इसे हम इसे 15 मिनट प्रेशर देंगे। प्रेशर देने के बाद आपको सब दिखाती हूँ। जो कोन है वो भी हमने प्रेशर का खोला, ये भी माशाल्लाह गल गए हैं, अब हम इसे भी अलहदा कर लेंगे। जखनी हमारी तैयार हो गई है, और अब हम जो चिकन है इसको अलहदा कर लेंगे। ये सारा हमने हड्डी वाला गोश्त लिया, चिकन बड़ी मकदार में तो किसी बड़ी सी चीज के अंदर हम इसे निकाल लेंगे, और इसी तरह ये सारे निकाल लेंगे। निकाल दिए, अब आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। अब हम जो सूप है इसे हम निकाल के किसी बड़े बाउल के अंदर, मतलब तेज का जो बड़ा है उसके अंदर हम डाल देंगे। अगला स्टेप आपको उधर दिखाते हैं। आप इसे स्टेन करना चाहें तो आप इसे स्टेन भी कर देना। चिकन है
और इसकी जो हड्डियाँ हम चिकन से अलग कर लेंगे और फिर हम अगला स्टेप आपको आगे दिखाते जाएंगे। जी हमने जो चिकन है उसे हड्डियों से अलग कर लिया और जो सूप है जो उसकी यखनी थी वो हमने चूल्हे के ऊपर रखी थी जैसे कि आपको दिखाया था। और अब जो तो चीज़ें उसमें हमने ऐड करनी है, एक तो चिकन है, ऊपर से जो दूसरा वो कॉर्न है, और उसके बाद हमने ना अंडे लिए हैं। अंडे को हमने चॉप करना, चॉप करने के बाद उसमें डालेंगे, पहले हम ये कर देते हैं। जी हमने जो चिकन है उसको हड्डियों से अलग कर लिया और इसकी जो यखनी थी वो हमने चूल्हे पर रखी हुई थी, ये देखें इसके अंदर उबाले आने लगे हैं। और अब हमने जो जो चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है, तो चिकन है और उसके बाद कॉर्न है, कॉर्न के बाद जो स्टेप है वो है अंडों का स्टेप। इसको हमने जी हम जो चिकन है वो इसको इसमें डाल देंगे। और साथ में हम उसे कॉर्न भी डाल देंगे इसके अंदर। अब एक और चीज हम इसके अंदर ऐड करेंगे, के लिए हमने बाउल के अंदर निकाल दिया, हम इसे फेंट लेंगे। अच्छी तरह हम इसे फेंट लेंगे। अंडे को हमने फेंट लिया, फेंटने के बाद जो सबसे जरूरी स्टेप है ना हमने ये करना है, जब हम इसे इस यखनी के अंदर डालेंगे ना तो हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसे हिलाते रहना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे हिलाते रहना। अगर हिलाएंगे नहीं तो सारा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और वो फिर कहीं कहीं आएगा, कहीं कहीं नहीं है। कैमरामैन से जूम करना थोड़ा सा। अंडे डालने के बाद इसकी कुछ ऐसे शेप आएगी, वाइट ऊपर से आ जाएगा। अब हम इसके अंदर जो सॉसेजेस ऐड करेंगे, ये तो मकदार के ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो एक बड़ा चम्मच जो है एक एक ऐड करूंगा, क्योंकि जो मैंने इसकी लैदा सॉसेजेस वो भी तैयार कर ली, तो जिसको जितनी खटास चाहिए, जितना जिसको जितनी मिर्ची चाहिए वो अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैं तो भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ सोया सॉस। हम इसके अंदर एक चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे पीसी भी, और इसे हिला लेंगे। अब इसके अगला जो स्टेप होगा वो इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा, वो हम आपको बताते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप था वो ये था कि हमने जो ये जो आपको यखनी नजर आ रही है ये असल में यखनी है, सिट्टे की यखनी, जिसके अंदर हमने सिट्टों को बॉईल किया था, ठीक है, और जो प्रेशर दिया था हमने। और हम इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करते जाएंगे ताकि इसके अंदर वो ढेले टाइप ना बने। ये कुछ इसकी शेप ऐसी आ जाएगी, इसे आपने हिलाते रहना कि अंदर से कोई भी वो जो ढेले टाइप जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, वो ना हो। और एक और खास बात का ख्याल रखना, किचन में घर ना डालना, नहीं तो मामा से बहुत सुनने को मिलेंगी, जैसे कि मुझे मिलती है तो सफाई करनी पड़ती है साथ साथ, तो आप ही ख्याल रखिएगा सफाई का। और जैसे हमने इसके अंदर अंडे ऐड किए थे वैसे ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये ऐड करते रहेंगे, उसे हिलाते रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है इसे साथ साथ हमने हिलाते रहना।
कॉर्न फ्लोर से इसके अंदर थिकनेस आती है और ये बहुत जरूरी होता है सूप के लिए। और नमक वगैरह हमने इसमें काफी डाला था, कुछ लोग नमक कम पसंद करते हैं, कुछ लोग ज्यादा करते हैं, और कम हो तो बंदा बार बार ऐड भी कर सकता है, तो इससे कोई इशू नहीं है इसका। जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ तो ये जो सूप है वो गाढ़ा होता जा रहा है। ये देखें सूप की तो माशाल्लाह अभी से शेप बनने लग गई है, देखिए गाढ़ा होने लग गया। और इसे एक से दो मिनट तक खिलाते रहेंगे हल्का 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 हल्का। इसकी सॉसेजेस बनाना इंतहाई आसान है। हमने एक चिली ली है और साथ ही हमने दादा मिर्चे ली है और इसके अंदर हमने ऐड करना है विनेगर और इसके अंदर भी हमने ऐड करना विनेगर, ठीक है। और एक चिली सॉस होती है तीन सॉसेजेस तैयार होगी जो कि बहुत ही आसान थी और जो चौथी होती है वो ब्लैक होती है। वैसे तो तीन आपको नजर आती हैं बाहर, हमने चार दिखा दी हैं। देखिए हमारा हो गया तैयार, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ले जी हमारे जो सूप की रेसिपी है वो भी है तैयार, अब हम आपको खा के दिखाते हैं सूप। ये देखिए माशाल्लाह, इसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉसेजेस। चिली मैं इतनी खाता नहीं, बाकी रेड सॉसेजेस साथ में ये करेंगे, इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम आपके मुंह में डाल तो नहीं सकते लेकिन आप बना के खुद खा जरूर सकते हैं। और ये इंतहाई मज़े का बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। ओके अल्लाह हाफ़िज़।